हमेशा की तरह आज एक बार फिर से बात करने वाले हैं टॉप 10 मिथ्स के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने आई इंडिया मूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो और चलो फटाफट से ये वीडियो शुरू करते हैं। नूसा मोड में फर्स्ट धोनी स्टार्ट होने से पहले मरते हो तो आपको ऑटो रिकॉल मिल जाएगा, तो आओ चेक कर लेते हैं। जस्ट अभी अपना प्लेन उड़ाया तो फटाफट से यार नीचे जंप कर लेते हैं और किसी भी एनिमी से फटाक से मरते हैं और देखते हैं कि अपन ऑटो रिकॉल हो रहे हैं या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे नाम के बाजू में एक चॉपर से छपा हुआ है, उसके आगे एक लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे भाई मेरी गलत लैंडिंग हो गई है, चलो फटाक से ऊपर जाते हैं। और ये देखो भाई, मेरे को किसी एनिमी ने मार दिया है, यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो गया है और यहाँ पे मैं ऑटो रिकॉल होने वाला हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं एक चॉपर के साथ ऑटो रिकॉल हो गया और मेरे नाम के आगे जो एक लिखा था वो जीरो हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो रिकॉल हो जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट जोन स्टार्ट होने से पहले अगर मरते हैं तो भाई यहाँ पे हम लोग ऑटो रिकॉल हो पा रहे हैं। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कंफर्म। अगर आप नूसा मैप खेल रहे हो और जिप लाइन टूटी हुई है तो आप उसे क्रॉसबो से रिपेयर कर सकते हो, क्या बात है, आओ करके देखते हैं। अपने सामने की तरफ एक जिप लाइन है, चलो इसे फटाफट से ब्रेक कर लेते हैं। और जब आप लोग खंबे के पास जाते होगे तो आप लोग को रिपेयर का ऑप्शन आता होगा, आप लोग रिपेयर पे क्लिक करोगे तो भाई 6 सेकंड लगेंगे इसे रिपेयर होने के लिए। और ये 6 सेकंड काफी ज्यादा है अगर भाई यहाँ पे अगर ये जिप लाइन टूटी है, ठीक है। और फिर आप लोग इस खंबे के पास जाते हो और आपके पास एक क्रॉसबो है तो आपको बस दूसरे वाले खंबे पे जूम करना है और एम करके मार देना है, आपकी जिप लाइन एक झटके में मतलब 1 सेकंड में रिपेयर हो जाएगी। तो वापस से यहाँ पे ब्रेक करते हैं, इस खंबे के पास खड़े होते हैं, जूम करते हैं, दूसरे खंबे पे क्रॉसबो मारते हैं और 1 सेकंड में भाई जिप लाइन रिपेयर। तो भाई इस मिथ के लिए तो यार एक लाइक अभी के अभी इस वीडियो को कर दो। और यहाँ पे हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि हम लोग 1 सेकंड में इस जिप लाइन को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। क्वाड बाइक पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो आओ चेक करते हैं। अपने सामने की तरफ एक क्वाड बाइक है, सबसे पहले ड्राइव वाली सीट पे बैठ जाते हैं और हमारे भाई बोल रहे हैं कि ये गाड़ी पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो आओ यार आगे भगाते और देखते हैं कि क्या सीन है। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ओ भाई, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई ये गाड़ी रुक चुकी है लेकिन यार पानी के ऊपर तैर रही है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन आगे पीछे नहीं हो रही लेकिन पानी के ऊपर तैर रही है। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि क्वाड बाइक पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। पिंक बीच पर कुछ गेंद है, आप उन्हें जैसे ही पानी में ले जाओगे वो फट जाएंगे, तो और देखते हैं। जैसा कि हमारे भाई ने बोला था कि आप लोग को पिंक बीच पे आ जाना है तो फिर आप लोग को मैप में भी पिंक बीच नाम का एक लोकेशन मिल जाएगा और ये वो यही वाला लोकेशन है, बस आप लोग को यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गेंदे आपको दिखेगी, जैसे आप इन्हें पानी में ले जाओगे तो यार ये गेंदे 1 सेकंड में फट जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये गेंद पानी में जाते ही फट जा रही है, तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि ये गेंद पानी में जाते ही फट जाती है, तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। तो यहाँ पर हमारे भाई का बोलना है कि 2 एनिमी एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में जिप लाइन क्रॉस कर सकते हैं, तो आओ चेक करते हैं। अपन लोग है जिप लाइन के पास और अपोजिट साइड में मैंने एक एनिमी को खड़ा कर दिया है और दोनों लोग साथ में जिप लाइन यूज कर रहे हैं, देखते हैं कि जिप लाइन क्रॉस होती है या फिर नहीं। और ये देख लो भाई, एक दूसरे की टक्कर हुई और दोनों नीचे गिर गए और भाई हाथ में गन होती है, तुरंत आपको एनिमी को मार देना है ना, तो फिर यार वो आपकी पेटी बना देगा। तो हमारे भाई बोल रहे थे कि जिप लाइन हम लोग क्रॉस कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है बस्टेड। फ्लेम विलेज में आपको कुछ पॉट देखने मिलेंगे जिसमें आप छिप सकते हो। अभी इस समय हम लोग हैं फ्लेम विलेज वाली लोकेशन पे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गमले देखने को मिल रहे होंगे और हमारे भाई बोल रहे हैं कि आप लोग इस गमले में छिप सकते हो, तो आओ इसके अंदर छिप के देखते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जब मैं बैठ जा रहा हूँ तो यहाँ पे भाई कोई भी नहीं देख सकता, यहाँ पे समझ रहे हो भाई, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर कोई एनिमी एनिमी आ रहा है तो फिर आप लोग को बस फायर करना है, गमला टूट जाता है और सामने वाला एनिमी नॉक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि आप लोग पॉट के अंदर छुप सकते हो, तो ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। फ्लेम विलेज में घास के गुच्छे और कुछ झोपड़ियां हैं जिन्हें आप क्रॉसबो से जला सकते हैं, याद रहे फ्लेम वाला तीर कमान होना चाहिए आपके पास। अभी इस समय हम लोग हैं फ्लेम विलेज वाली लोकेशन पे और सामने की तरफ एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर एक एनिमी है और मेरे हाथ में तीर कमान है, वो भी फ्लेम वाला है, ठीक है। तो ये फ्लेम वाला तीर कमान आप लोग को शॉप में मिल जाएगा, मतलब 10 रुपए में 5 मिल जाएगा, वहां से परचेस कर लेना और ऐसे भी रैंडम मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने जला दिया इस झोपड़ी को और सामने मतलब एक एनिमी है, वो देख लो यार वो मर गया और यहाँ पे देख रहे हो यार झोपड़ी पूरी नंगी हो गई है और यहाँ पे एक घास का गुच्छा है, अगर मैं इसे भी मारता हूँ ना इस तीर कमान से, मतलब ये फ्लेम वाले तीर कमान से, तो आप लोग देख सकते हो ये जो घास का गुच्छा है वो भी गायब हो जाना है। तो यहाँ पे आप लोग ये बस झोपड़ी को ही जला सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैं ये फ्लेम वाला तीर कमान मारूंगा तो देख लो कुछ नहीं होने वाला है, बस झोपड़ियाँ जलेगी इस तीर कमान से जो फ्लेम वाला तीर कमान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि फ्लेम वाले तीर कमान से हम लोग झोपड़ियों को जला सकते हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म।
टेलेपैक टाउन में जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पर आपको दो बॉट देखने मिलेंगे। अगर आप उन्हें मारते हो तो फिर आपको लेवल 3 की लूट मिलेगी। तो आओ चेक कर लेते हैं। अभी इस समय हम लोग हैं टेलेपैक टाउन वाली लोकेशन पे और यहाँ पर जितनी भी भाई बड़ी बिल्डिंग है ना उसके अंदर लिफ्ट लगी हुई है। तो सबसे पहले आपको लिफ्ट पकड़ना है और टॉप फ्लोर पे चले आना है। तो फटाक से लिफ्ट में बैठते हैं, फ्लोर को सिलेक्ट कर लेते हैं, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं। 7वें फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे हमने पहला दरवाजा खोला, बॉट नहीं दिखे। दूसरा दरवाजा खोला और यहाँ पे दो बॉट है, इन्हें फटाफट से मार लेते हैं। चल रहे, और इन लोग डैमेज नहीं देते क्या अपने को? मैंने सुना था इन लोग काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं, लेकिन इन लोग तो मेरे को देख के छुप रहे हैं। और ये भाई स्मोक वगैरह भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लूट देखते हैं, और आप लोग देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे अपने को लेवल 3 की लूट मिल रही है। और दूसरी वाली पेटी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है कि अगर हम लोग ऊपर वाले दोनों बॉट को मारते हैं तो यहाँ पे अपने को लेवल 3 की लूट देखने को मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल है, तो यहाँ पर ये वाली भी तो जाती है कन्फर्म। बुलन बे, सनसेट स्ट्रीट और रीगल रिसोर्ट, इन तीनों जगहों पर स्विमिंग पूल है। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपकी हेल्थ इंक्रीज होगी। तो आओ देख लेते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी पहली लोकेशन पे जिसका नाम है बुलन बे। आप लोग मैप में अच्छी तरह से देख लो, और यहाँ पे अपने को 3 पूल देखने को मिलते हैं, 2 छोटे से हैं और 1 बड़ा सा है। और जैसे मैं यहाँ पे इस पानी के अंदर आ रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरी हेल्थ बढ़ रही है। सेम तीनों जगह वही है, यहाँ पे भी देख लो, देख रहे हो, ठीक है। और जो बड़ा वाला पूल है उसके अंदर भी सेम चीज़ है, देख लो। यहाँ पे बस तैरो, खड़े रहो, जो करना है वो करो, आपकी हेल्थ बढ़ने वाली है। और सेकंड लोकेशन पे चलते हैं। सेकंड लोकेशन है सनसेट स्ट्रीट, और यहाँ पे भी एक पूल है जिसके अंदर आप जैसे जाओगे आपकी हेल्थ बढ़ने लगेगी, बूस्टर बढ़ने लगेगा, आपका हेल्थ भी बढ़ेगा, देख रहे हो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आओ आप चलते हैं तीसरी लोकेशन पे। तीसरी लोकेशन है रीगल रिसोर्ट, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि अगर आप इस पानी के अंदर घूमते हो, तैरते हो, खड़े रहते हो तो फिर आपकी हेल्थ बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर हमारे भाई ने बिल्कुल सही लोकेशन बताई है तीनों की तीनों, और यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है हेल्थ बढ़ने वाली, ये वर्क करती है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। हमारे भाई का बोलना है कि क्रिस्टल बे में एक सीक्रेट डोर है, तो आओ चेक कर लेते हैं। अभी इस समय मैं हूँ क्रिस्टल बे वाली लोकेशन पे। आप लोग को मैप में जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप लोग ने देख लिया होगा मेरे सामने की तरफ एक सीक्रेट डोर है जिसके पास मैं जाता हूँ। तो उसे ओपन करता हूँ तो यार ये की मांगता है। तो यार डोर के आपको राइट साइड में एक झोपड़ी देखने को मिल जाएगी, झोपड़ी के नीचे एक क्रेट बॉक्स है जिसे आप ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर की मिल जाएगी। तो यहाँ से फटाफट से की ले लेते हैं, और ये की मेरे बैग के अंदर आ चुकी है। बैग के अंदर आप लोग देख सकते हो कि की आ गई है। तो फटाक चलते हैं डोर के पास और भाई उस डोर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन को दबा दिया है और खुल जा सिम सिम, और ये वाली टनल अपनी खुल चुकी है। और अंदर तो भाई क्या ही गजब का दिख रहा है, मतलब यार पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को पहले क्रेट में लेवल 3 की लूट मिल रही है, और दूसरे में भी वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है क्या दूसरा? ठीक है, ऊपर एक रास्ता जाता है जो कि अगर यहाँ से मैं जाऊँगा तो बाहर निकल जाऊँगा और ऊपर नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। और कुछ है क्या यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे एक और सुरंग देखने को मिल रही है मेरे को। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो आगे की तरफ पानी है, पानी के अंदर जंप कर दिया। और ओ भाई, मतलब यार ये वाला सीन ना भाई मेरे को बहुत ही मस्त लगा। तो ठीक है, यहाँ पे एक सीक्रेट डोर अपने को देखने को मिल रहा है, तो हमारे भाई ने बिल्कुल सही बोला है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये वाली मिथ हो जाती है कन्फर्म। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और मिथ्स वगैरह आप लोगों को पता है तो यार कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख दो, और मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।